मॉक टेस्ट देने का मैं एक तरीका बहुत शानदार बता रहा हूँ। एक बार मॉक टेस्ट आप दीजिए, ठीक है, हो सकता है नंबर ऊपर नीचे आए, उसी मॉक टेस्ट को एक बार दोबारा दीजिए, ठीक है। और उस मॉक टेस्ट को जब दोबारा दीजिए तो आप ये सोचिए कि मुझे अब गलतियाँ नहीं करनी है। एक मॉक टेस्ट दीजिए, उसका आंसर मत देखिएगा, सिर्फ देखिए आप नंबर कितना आया है, ठीक है। फिर शाम को बैठिए और उसी मॉक टेस्ट को एक बार दोबारा दे दीजिए। दोबारा देने से आपका क्या होगा कि आपको लगेगा कि पिछली बार जो हमने क्वेश्चन पहली बार देखा था, दोबारा में आप दोबारा सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर रट जाएंगे, यानी कि याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसको आप सुधार लीजिए वहाँ पर, ठीक है। बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसको अप्लाई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। लोग कहेंगे अरे एक बार दे दिए हैं तो क्या ही फायदा, लेकिन एक बार मेरे कहने पर एक मॉक टेस्ट दोबारा देकर के देखिएगा। पहली बात तो आपका इससे दो चीज़ें होंगी एग्जाम के टाइम में। सबसे पहली बात कि जो चीज़ें आपकी गलत हो रही हैं बार बार, होता नहीं है कि अब आता रहता है और आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो क्वेश्चन वहाँ आप जब दोबारा देखेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मार्क्स थोड़े से इंक्रीज होंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा, और ये आज के एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप पॉजिटिव बने रहें, और वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको दूसरा वाला मॉक टेस्ट देगा जरूर। दो चीज़ें होंगी इससे, इससे आपकी जो लगातार जो ना चाहते हुए भी आप गलतियां कर जाते हैं, आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, वैसे क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, क्योंकि वैसे क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो हमारे नंबर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। हम अच्छा परफॉर्म किए रहते हैं, पूरे साल मेहनत किए रहते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में हम इन चीज़ों का ध्यान ना रख करके अपने एग्जाम को गड़बड़ कर ले जाते हैं। हमको ये नहीं करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप कुछ नया नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा, जितना पढ़ाया गया है, मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, जितने भी एमबी की बुक के वीडियोज़ हैं, जितनी भी वीडियोज़ हैं, अभी टाइम है, 5-6 दिनों में आप खत्म कर सकते हैं अच्छे खासे बैठ करके, उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। आने वाला एग्जाम है, आप देख लीजिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ उससे बाहर नहीं आने वाला है। तो एमबी की वीडियोज़ देख करके उसे तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए अभी, ठीक है। और जिन लोगों ने नोट्स बना रखा है, कई लोगों ने मेरे पास नोट्स भेजा भी अपना एमबी का, जिन लोगों ने बना रखा है वो भी तैयारी बार बार रिवाइज करके करते रहें, और साइनो एंटो यानी कि वोकैब्स पार्ट, क्लोज टेस्ट और फिल, ये क्या नाम है, पैसेज, ये सारा देखते रहें। ईडीएम्स जितने एमबी में दिए गए हैं वो सारे रट करके याद कर लें, अभी रिवाइज कर लें, अभी उसका टाइम है कि आप रिवाइज